और वक्त हो गया है दोपहर की सबसे सटीक और सार्थक बहस का। बाढ़ से बचाओ, पूरे उत्तर प्रदेश से ये आवाज आपको लगातार सुनाई दे रही होगी। सांसद से लेकर आम जनता बाढ़ की चपेट में है। वीवीआईपी रोड से लेकर कई गांवों को जोड़ने वाले पुल बेरहम बाढ़ में बह गए हैं। घाघरा, बेतवा, चंबल, यमुना नदी पूरे उफान पर है। वाराणसी में होने वाली गंगा आरती अब छतों पर हो रही है। शमशान घाट को रिहायशी इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से, भारी बारिश की वजह से कर्फ्यू जैसे हालात हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, वहां तो ऑलरेडी कर्फ्यू जैसे हालात हैं, ऐसा बनाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से प्राथमिक विद्यालय बाढ़ की वजह से बह गए, जबकि उन्हें बचाया जा सकता था। सांसदों के घर में पानी भरा हुआ है, खेरिया एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ है, ये तमाम स्थिति है। और कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, आम जनजीवन कैसे लोगों का हो गया है, ये भी आप बड़े गौर से देखिए। यूपी में हर ओर हाहाकार मचा है। ये देखिए पूरी तरह से तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश की है। लोग ऐसे ही अपना जीवन यापन, गुजर बसर कर रहे हैं। ये तो मान लेते हैं कि दैवीय आपदा है, लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन और शासन क्या कर रहा है। आपको क्या कहीं पर यहां पर स्टीमर दिख रही है? प्रशासन की कोई व्यवस्था आपको नजर आ रही है? लगातार हम तस्वीरें बदलते जाएंगे और आप देखते रहिए, कई तस्वीरें हैं, हम लगातार बदल रहे हैं। और सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो 4 महीने पहले मीटिंग ली थी बाढ़ और आपदा प्रबंधन की, उस मीटिंग का असर क्या हुआ? उन्होंने मंत्रियों को बाकायदा चिताया था, उन्होंने प्रमुख सचिव और सीनियर ऑफिसर्स को इस बात को बताया था, लेकिन उसके बावजूद अमल में क्या लाया गया, यह सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। चूंकि स्थिति बद से बदतर हो गई है और लोग ऐसे ही अपना जीवन यापन, गुजर बसर करने को मजबूर हो गए हैं, तो सवाल यही है। और इसीलिए हमने लिख भी दिया है कि बाढ़ से बचाव चूंकि दैवीय आपदा है, प्रकोप तो है, लेकिन अब जिम्मेदारी हो जाती है सरकार की, वो पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह का अभियान चला रही है। सवाल यह भी है कि 2 करोड़ रुपए खर्च करके नालों की सफाई के लिए नाले को साफ किया गया, लेकिन सांसद के घर में पानी कैसे पहुंच गया, गांव में कैसे पानी पहुंच गया? ये तमाम ऐसे हालात हैं जिसका सामना उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मेहमान दोपहर बार के स्टूडियो में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शबनम पांडे जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार का पक्ष रखेंगी। अल्पना वाजपेयी जी हैं, पीएसपीएल की प्रवक्ता हैं। अल्पना वाजपेयी जी, आपका भी बहुत स्वागत। प्रमोद गोस्वामी जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एसके द्विवेदी जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप कपूर जी भी दोपहर वार के स्टूडियो में हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगातार नमस्कार का दौर चल रहा है, चूंकि ये आप लोगों को भी नमस्कार कर रहे हैं और जो तमाम मेहमान आ रहे हैं उन्हें भी नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है शबनम पांडे जी, ठीक है नमस्कार आप कर रही हैं, अच्छी बात है, आप विनम्र हैं, इसी तरह से जनता से भी आपने नमस्कार किया और जो लगातार यहाँ मेहमान आ रहे हैं उनसे भी नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या होगा उत्तर प्रदेश में जो फंसे हुए हैं बाढ़ की वजह से? पिछले बार तो हालात ठीक थे, प्रशासन ने इंतजाम किए थे, लेकिन इस बार ऐसे कोई इंतजाम दिख नहीं रहे हैं। मैं आपको एक गोंडा की खबर बताता हूं। केवटाही में एक प्राथमिक विद्यालय है, उसे बचाया जा सकता था गंगा की कटान की वजह से। भारत समाचार पर यह खबर तकरीबन 20 से 25 दिन पहले से दिखाई जा रही है, लेकिन वो चपेट में आ गया। देखिए राहुल जी, ऐसा कहना गलत है कि इस साल कोई इंतजाम नहीं हुआ। जून में ही एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार मॉक ड्रिल करती रही तमाम जिलों में, कम से कम 7-8 जिलों में इनका मॉक ड्रिल करके इन्होंने प्रैक्टिस किया, और आज एनडीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ग्रस्त एरिया में लगी हुई है और खाद्य सामग्री को पहुंचाया जा रहा है, यहाँ तक दवाइयाँ पहुंचाई जा रही है, राहत शिविर बनाए गए हैं, राहत शिविर में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए ये दैविक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, और इस प्राकृतिक आपदा की वजह से लगातार, ये नहीं कि पहली बार बाढ़ आया, लगातार बाढ़ आया, पर इंतजाम बहुत पुख्ता किए गए हैं। 2-1 जगह जो अगर नहीं हुए हुए हैं उस पर भी काम चल रहा है, तो सरकार पूरी तरीके से उस पर नजर बनाई हुई है और कहीं से भी कोई कमी महसूस होने पे उस पर कार्रवाई हो रही है। ठीक है, सरकार नजर बनाई थी इसीलिए 4 महीने पहले उन्होंने मीटिंग किया,
लेकिन शबनम पांडे जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत क्लियर सवाल पूछा आपसे कि गोंडा का एक प्राथमिक विद्यालय है, उसे किसी तरह से बचाया जा सकता था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बार बार गांव वाले इस ओर ध्यान दिला भी रहे थे, भारत समाचार में खबर लगातार चल रही थी। इंतजाम अगर होता तो नहीं, राहुल जी ऐसा नहीं है। जब बाढ़ आती है और पानी का बहाव होता है तो बड़े से बड़े मंजिल जो मजबूत इमारत होती है उसको भी बहा ले जाता है। अगर वहां पे उसको बचाने का बहा ले गया, 2 करोड़ रुपए खर्च करके आगरा के नालों की सफाई की गई, लेकिन आप ही के सांसद के यहाँ पानी भर गया, घुटनों के बराबर पानी था, वो कैसे जनता दरबार लगाए थे, कल मैंने वो खबर भी दिखाई थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका घर तो वीवीआईपी इलाके में होगा ना, इसके लिए कैसे जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, हमारे लिए सांसद और आम जनता सब बराबर हैं। ये तो आपका कहना ना, अच्छी बात है कि वीवीआईपी के लिए सरकार आम हमारे लिए भी आम जनता बराबर है, इसीलिए हम केवटाही के प्राथमिक विद्यालय की भी बात कर रहे हैं और आपके आगरा के सांसद चाहर की बात भी कर रहे हैं। सभी की बात करना हमारा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए बता रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उनके घर में घुटनों तक पानी कैसे था, ये कैसे मानती है? ये हम देवी आपदा कर बच जाए कि भाई ये तो दैवीय आपदा है, बारिश हो रही थी, इसका सामना करना पड़ेगा, एसके द्विवेदी जी को भी करना पड़ेगा, प्रमोद गोस्वामी को भी करना पड़ेगा और प्रदीप कपूर जी को भी करना पड़ेगा, अल्पना वाजपेयी जी को भी करना पड़ेगा। मुझे देखिए राहुल जी, बाढ़ आने के पहले, ये बरसात आने के पहले करीब करीब सभी शहरों में नाली और नालों की सफाई का काम नगर निगम करती है और बड़े चुस्त दुरुस्त तरीके से करती है, लेकिन उसके बाद भी पानी के बहाव के साथ अगर कुछ इस तरह की गंदगी आए और कहीं पे ब्लॉकेज हो जाती है तो कभी-कभी ये भी घटना। अब दो पत्रकारों की बात, आपकी बात लॉक हो गई। दो पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को इन्होंने उत्तर प्रदेश में बनते हटते देखा होगा, प्रमोद गोस्वामी जी और प्रदीप कपूर जी। आप इनकी बात से, यानी शबनम पांडे जी की बात से, लेकिन से सहमत है? वो एक लेकिन भी कह रही तो उससे आप एग्री हैं प्रदीप जी? देखिए, 40 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, बनासीदास चीफ मिनिस्टर थे तब से मैं पत्रकारिता में आया, तब से सरकारें आई और सरकारें गई, और हर सरकार और हर चीफ मिनिस्टर जो है बाढ़ से आने से पहले इस तरह की वार्निंग, इस तरह की तैयारी, इस तरह के आदेश जो है वो अपने अधिकारियों को देते रहे हैं, और उसी तरह से आदेश जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को दिए थे, लेकिन क्रियान्वयन का जो लेवल है, मुख्यमंत्री आदेश दे सकता है लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करना है वो ब्यूरोक्रेटिक चैनल जो है, वो जो अधिकारी लोग हैं वो उसको उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बाढ़ की त्रासदी से आम जनता को भुगतना पड़ता है। नहीं करते हैं, ठीक है, अभी करना। और उसकी देखिए सबसे बड़ी बात ये है, अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी भी यही हो रहा है कि अगर ये डर बैठ जाए अधिकारियों में कि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो यही अधिकारी जो है काम करने लगेंगे। योगी आदित्यनाथ तो एक सीरियस अपना एक वो अपना लिए हुए हैं, वो कहते भी हैं लेकिन सुनते नहीं है लोग। तो सारे आईएएस का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए बुलाया भी गया, पूर्व आईएएस ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर भी रहे हैं, तो क्यों आईएएस ऑफिसर काम नहीं कर रहे हैं भाई? ये तो एक पत्रकार बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 40 साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, बिल्कुल सही। शबनम पांडे जी कह रहे हैं कि हमने तो आदेश दे दिया, 4 महीने पहले मीटिंग कर ली, ये आपके साथ इतनी समस्या क्यों है? नहीं नहीं, समस्या और आप ही पर बात क्यों टिक जाती है राहुल? ऐसा है कि बात आईएएस ऑफिसर्स पे नहीं टिक जाती है, बात सिस्टम की है। जैसा कि अभी कपूर साहब ने कहा, अपने एक्सपीरियंस से कहा कि पूरा सिस्टम अब रिलक्टेंट हो गया है काम करने को। इसमें केवल ब्यूरोक्रेट नहीं है, डाउन दी चेन अगर आप देखेंगे, जैसे अगर बाढ़ की बात कर रहे हैं तो बाढ़ में एक कॉन्सेप्ट होता है बाढ़ चौकी बनाने का, और उसकी तैयारी पूरे साल चलती है और 6 महीना पहले से बाढ़ चौकी फंक्शनल हो जाती है। और पूर्व में जब ये न एनडीआरएफ थी न ये मोबाइल्स हुआ करते थे, हम लोगों ने उस जमाने में फिजिकली इनको हैंडल किया है, और इससे भी खराब सिचुएशन बाढ़ की देखी है, वही टीम अब भी काम कर रही है। रिलक्टेंस आ गई, जैसा कि कपूर साहब कह रहे हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अपने दायित्वों के प्रति थोड़े थोड़े उदासीन होते जा रहे हैं, और उसी की नियति है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होगी, जब तक जिम्मेदारी नहीं तय होगी, तब तक हम इसी प्रकार से शेडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते रहेंगे। आवश्यकता है, देखिए मैं तो सेना से भी हूं और ब्यूरोक्रेसी में भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दोनों काम बता रहा हूं आपको। एनडीआरएफ की टीम की बात की अभी मिसेस पांडे ने किया, एनडीआरएफ क्या करेगा? नेचर से कोई फाइट नहीं। जैसे आपने कहा कि एक प्राथमिक विद्यालय था जिसको बचाया जा सकता था, आप यहां बैठ के कह रहे हैं कि उसको बचाया जा सकता था। आप अगर उत्तरांचल देखें, रोज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, आप ही के चैनल दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उस पर नेचर से लड़ नहीं सकता है सिस्टम। ये केवल कर सकता है कि तत्कालिक जो कार्यवाही होनी चाहिए
उसको कर ले तो फिर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाए क्या द्विवेदी जी? बिल्कुल आप क्या कह रहे हैं, हाथ में हाथ नहीं करके बैठे। एक मिनट जरा उनकी बात सुनते हैं द्विवेदी जी। मैं आपको राहुल यही बात बता रहा हूँ कि हम लोग पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं। सिर्फ ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सिस्टम में जिसमें अब धीरे 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 करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ह्रास होने लगा, कमी आने लगी है। जिस बात को मैं कपूर साहब की बात को फर्दर बढ़ा रहा था कि हमारी जिम्मेदारी जितनी थी और जितनी तन्मयता से जितनी गंभीरता से हमें उसको करना चाहिए था उसमें अब कमी आई है, उसमें अब डाइल्यूशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि एक कह लें कि एक नेक्सस सा काम करने लगा है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है, वो कोई भी हो दूसरे पे जिम्मेदारी टालने की बात करता। प्रमोद गोस्वामी जी, अपनी जिम्मेदारी से लोग भाग क्यों रहे हैं? जनता को तो चाहिए ना कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बेसिक सुविधाएं उन्हें मिले, लेकिन यहाँ तो लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक पूर्व आईएएस ऑफिसर इस बात को कह रहे हैं। देखिए राहुल जी, एक ये एक बड़ी विडंबना इस देश की है और उत्तर प्रदेश तो विशेष रूप से, जैसा भी प्रदीप जी ने कहा बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ कि आप ये देखिए, मैं ये हम लोग ये बराबर देखते आते हैं कि बाढ़ से 6 महीने पहले 4 महीने पहले मुख्यमंत्री आईएएस अधिकारी जो भी कंसर्निंग उस विभाग के हैं वो उसके लिए पूरी मतलब इस ढंग की बैठकें होती हैं, इस ढंग के प्रेस नोट आते हैं कि मतलब लगता है कि अगर बाढ़ आएगी तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये बराबर देखते आ रहे हैं कि जब भी बाढ़ आती है तो हालात जो है वैसे के वैसे, जैसा कि अभी आपने कहा कि वो मैं कैप्टन साहब से ये खाली इस पे एक अनुरोध जरूर करूंगा कि ये पिछले 6-7 दिन से टीवी पर और अखबारों में दिखाया जा रहा है कि गोड्डा का एक स्कूल जो है वो बाढ़ की चपेट में आ रहा है और आखिर में वो पूरा उसमें समा गया। अभी इस बार मैंने देखा हाँ। तो क्या इसमें वहां के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? ये पूरी तरीके से घनघोर लापरवाही या शिथिलता है और ये जो इस मनोवृत्ति है, जैसा कि अभी कैप्टन साहब ने ये बात कही कि इसमें कोई दो राय नहीं कि अधिकारी मुख्यमंत्री को आप ले लीजिए, मुख्यमंत्री बराबर निर्देश दे रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर आप ले लीजिए, चाहे आप बाढ़ के मामले पर ले लीजिए, वो हर चीजें समय से यथा समय अधिकारियों को और सबको निर्देश दे रहे हैं। सवाल वो जी मैं रोक रहा हूं क्योंकि एसके द्विवेदी ने यही कहा कि निर्देश देने से सिर्फ काम नहीं होगा, यही बात जिम्मेदारी तय करनी होगी उन लोगों की। दिक्कत ये है, दिक्कत सबसे बड़ी राहुल इस बात की है कि जो हमारे कार्यदायी संस्था है, कार्यदायी संस्थाओं से मतलब जो इंजीनियर वगैरह भी है, कार्यदायी संस्था से आप उस शाब्दिक अर्थ में मत जाइए, जो इसकी जिम्मेदारी लेने वाले हैं वो लोग पूरी तरीके से घनघोर लापरवाही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। अभी आप देख लीजिए कि इलाहाबाद समस्या ये है, यानी सरकार जिस पर बनी थी और डंके की चोट पर सरकार बनने के बाद जो कही थी दो वरिष्ठ पत्रकार ने उसे बहुत आसानी से बता दिया, यानी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। ये कह रहे हैं कि अभी भी हालात वैसे हैं। अल्पना बजपेयी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपको सब ठीक लगता है? देखिए ठीक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्टी का मामला नहीं है, जनजीवन से जुड़ी ही चीज है। पार्टी के साथ एक आपकी पार्टी ग्राउंड लेवल पर उतरी है, देखिए हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी हम लोगों को जहाँ पे भी पता चल रहा है बाढ़ की स्थिति है, जैसे कि हम लोग अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं अलीगंज से और यहाँ तक आने में ही पूरा जितना ये ललित कला अकेडमी और वो जो बना हुआ है अलीगंज वाला वो पूरा पानी, ये लखनऊ की स्थिति, ये लखनऊ की स्थिति और किस जगह के अलीगंज जो बीबीआईपी इलाका है की बात से छोड़ दिए, वहाँ इतना पानी भरा हुआ है ललित कला अकेडमी के बाहर। नहीं तो शबनम जी आपको कह देगी कि तो गांव में पानी भरा है, आप क्या ही पानी भरा है, वो तो आपको ये उत्तर दे देंगी, तो आप क्या करेंगी? मेरी बात आप सुनिए, अभी स्थिति ये है कि बीजेपी की सरकार बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है और वो तो ये कह देती कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया की सारी जितना मॉडर्नाइजेशन वो भाजपा सरकार करती है और आपके सामने ये साबित हो रहा है कि ये सरकार क्या कर रही है। शबनम जी जरा बताइए तो आप लोगों को, देश की बड़ी बड़ी यहाँ पर तो चारों लोग नहीं चिंता है, वो तो आपके बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अब देखिए सारे अलग अलग लोग हैं, दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक विपक्ष है और एक आईएएस ऑफिसर है पूर्व, ये तो आपकी बात से इत्तेफाक रख ही नहीं रहे। राहुल जी सब लोग मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, सबको पता है कि इस तरह की आपदा में जिस तरीके का इंतजाम की शुरुआत होनी चाहिए पूरी शुरुआत हुई अच्छी तरीके से और अभी भी लगातार, क्योंकि देखिए हम केवल वही, क्यों लगता है कि पूरा सिस्टम
भ्रष्टाचार के आकलन में डूबा हुआ है उनका आपकी तो ये जिम्मेदारी थी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आपने कहा था। राहुल जी आज भी भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है और इसका उदाहरण सभी पत्रकार या वरिष्ठ अधिकारी भी देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई चल रही है जिसमें काम में लापरवाही है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। चलिए कोई बात नहीं, बताएंगी शबनम जी, जरा ये बताइए कि सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिया गया। देखिए पूर्व की बात, बाढ़ चौकी की कैसी व्यवस्था की जाती थी वो बताया एसके द्विवेदी जी ने, प्रदीप जी ने बताया। चलिए आप अपने आपने कार्य गिनाइए ना कि क्या सरकार की प्लानिंग थी। अब ऐसा तो थोड़ा, ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आएगा, बाढ़ तो हर साल आएगी ना, हर साल आएगी, उससे निपटना होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या प्लान किया था वो बता दीजिए बस आप मुझे। मैं आपको ये बता ही रही हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्रवाई करनी है, चाहे चौकियां बनाना हो इंडिया, चलिए बाढ़ चौकी लगाना है, वो इसके द्विवेदी जी को लेकिन नहीं दिख रही, लेकिन आप बोल रहे मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। एक नहीं, उन्होंने तो कहा ही कि लगती आई और ये व्यवस्था रहती है, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था रहती है। इस बार बाढ़ भी बहुत तेजी से आई है, सब दिन भर में बाढ़ की 70 खबरें पढ़ लेता हूँ, जगह दिख जानी चाहिए थी, नहीं दिख रही है मुझे तो आपके ऐसा कहना गलत होगा कि नहीं दिख रही है। अभी कैप्टन साहब ने एक बात कही कि जब ये संसाधन एसटीआर वगैरह ये सब नहीं थे हम तब उससे बेहतर उन चीजों से निपट लिया। ये बड़ी बात, सहयोग से, जन सहयोग से, वही तो मैं कह रहा हूँ उस वक्त बाढ़ के ये विशाल रूप भी नहीं हुआ करता था, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा है, जंगलों का कटान हुआ है, पहाड़ों का कटान हुआ है, तो देखिए जो नेचुरल कैलामिटी है ज्यादा सुनना पड़ेगा, आप सुनना पड़ेगा और आप सुनना पड़ेगा। देखिए आपने आपकी इस बात से तीन लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे, बहुत क्लियर है, एसके द्विवेदी, प्रमोद गोस्वामी और मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा हूँ। अब बताइए प्रदीप जी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक चार हो गए। देखिए राहुल जी, अपना वाजपेयी जी तो स्वाभाविक है नहीं रखेंगे, मुझे अचानक याद आ गया। चार लोग कैसे आपकी बात इत्तेफाक नहीं? राहुल जी आप हम लोगों को बताइए, आप अपने कार्य बताइए। मैं तो बता ही रही हूँ, जिस तरीके से टीम लगी हुई है, लोकल लेवल पे भी लोग लगे हुए हैं, जो अधिकारी लोकल लेवल पे, कौन जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठन, सरकार के लोग, राहुल इसको सभी लगे मैं डिटेल में बता देता हूँ। चलिए अब चलते हैं एक राहुल जी पर एक उदाहरण मुझे कि मुझे याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी, वीर बहादुर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, राहुल राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे और बाढ़ के नियंत्रण से वो इतने नाखुश हुए कि वीर बहादुर सिंह को हटा दिया गया। ये तस्वीरें देख लेते हैं, ये सांसद का घर है, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर पहले चली, वो सांसद का घर था, घुटने के बराबर पानी था। ये स्थिति आगरा शहर में होनी चाहिए, ताज नगरी है, ताज की नगरी है, सही ताज की नगरी है, आठवा अजूबा है, से लोग आते हैं, इतने सारे पर्यटक आते हैं। शबनम जी ये क्या हो रहा है, शहर गांव की बात छोड़िए, ये क्या हो रहा है? देखिए इतने इंतजाम आपने की, देखिए भाई अगर इंतजाम की तो एसके द्विवेदी जी आपको ग्राउंड पर दिखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल दिखना चाहिए ना, अल्पना जी दिखना चाहिए, प्रमोद जी ग्राउंड पर दिखना चाहिए और प्रदीप जी ग्राउंड पर दिखना चाहिए। तो ये सब क्या कह रहे हैं शबनम जी, आप बताइए ना, जवाब दीजिए। राहुल इसका तरीका ये है, ये देखिए द्विवेदी, चलिए हो सकता है कुछ आपको स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल शायद नहीं बता पा रही हैं। तीन महीना जब बाढ़ आने का होता है, उसके तीन महीने पूर्व एक पद होता है प्रदेश में राहत आयुक्त, रिलीफ कमिश्नर हम लोग कहते हैं उसको, रिलीफ कमिश्नर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है, प्रमुख सचिव या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लेवल का, बिल्कुल, और बड़ा अनुभवी व्यक्ति वहां रखा जाता है, बड़ा जुझारू व्यक्ति रखा जाता है। उसकी ड्यूटी होती है कि एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एसओपी हम लोग कहते हैं उसको, वो बनती है और जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जो संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के कलेक्टर्स को, कमिश्नर्स को निर्देश दिए जाते हैं कि बाढ़ चौकियां अपनी एक्टिवेट कर लें, लोगों को आइडेंटिफाई कर लें, जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं जहां पानी, इसके द्विवेदी जी बताते रहे, तस्वीरें भी देखते रहे, आपको कहीं कुछ दिखे तो बताते रहे, आप बात बोलते रहिए, प्लीज बोलते रहिए। हाँ, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जहां लो लाइंग एरियाज हैं या जहां मरून हो जाते हैं गांव, उन स्थानों पर चौकी जो है वो नाव की व्यवस्था कर ले, वैकल्पिक दवाइयों की व्यवस्था कर ले, वैकल्पिक भोजन की व्यवस्था कर ले, और पशु इत्यादि जो उन क्षेत्रों में रहते हैं उनको निकाल करके उनका विकल्प क्या होगा, किस विद्यालय में जाएंगे, किस पब्लिक प्लेस पे जाएंगे, इसके डिटेल इंस्ट्रक्शंस जाते हैं। साथ में ये भी इंस्ट्रक्शंस जाते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जनपदों में अधिकांशतः छुट्टियां निरस्त कर दी जाती हैं, ताकि वो लोग वहां पर उपलब्ध रहे, मैन पावर उपलब्ध रहे, और वो जैसे आप दिखा रहे हैं ये दैवी आपदा, ये इनके सांसद है, बीजेपी के सांसद है, वो किस तरह चल रहे हैं, उनका घर है वो, हाँ,
तो अब देखिए शबनम जी, हम लोग भी चाहते हैं कि सकारात्मक खबर चले, अच्छा माहौल बनाए। इसके द्विवेदी जी, क्या नेगेटिव खबर कोई चलाना चाहता है क्या? नोबडी, जो जनता की बात है उसको, लेकिन जो हालात है वो दिखा रहे हैं। अगर अलर्ट का होता सिस्टम तो बताते, काम नहीं किया होता तो अभी आपके पास कोई काम की बात नहीं है। देखिए शबनम जी, ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, आपने आमूलचूल परिवर्तन किया है, नो डाउट हम लोग मान रहे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए शबनम जी नहीं हो रहा है बाढ़ में ना। देखिए सारे लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रदीप जी तो इत्तेफाक रख लेते हैं आपसे, मुझे खुशी होती प्रदीप जी कह लेते, या प्रमोद गोस्वामी जी बोल देते आपके पक्ष में। सिर्फ एक उदाहरण एग्जाम्पल आप, और ये नहीं, आप खाली लखनऊ का ले लीजिए, और एस के द्विवेदी साहब यहाँ नगर आयुक्त रहे हैं, बताओ मुख्यमंत्री जी ने ये व्यवस्था करी है सबके यहाँ से कूड़ा उठाने की और वहां नालियों की साफ करने की, बाकी शहर को छोड़ दीजिए, आप खाली बटलर पैलेस में चले जाइए जो बीबीआईपी कॉलोनी कही जाती है, वहां सारे आईएएस रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, आप चले जाइए और वहां की नालियों को देख लीजिए कि वहां की कितनी सफाई, अब ये जो ओवरफ्लो हो जाता है ये सब सड़क पे आ जाता है, ये छोटी सी घटना, बाढ़ तो बहुत बड़ी चीज है प्रदीप जी। तो ये जो अस, ये चूक के अस, मैं शबनम जी प्लीज सुनना पड़ेगा, आज सुनना पड़ेगा, उठाने वाले जाते हैं पर ठीक है, कभी उठाने वालों को कैसे चूक हुई है, आज भी ये कैसे चूक है, वो ठीक है, वो भी चूक तो देखिए वो है बिल्कुल ठीक है। मैं सरकार जो इम्प्लीमेंटेशन की जो एजेंसी है जिसपे की जिम्मेदारी है कि जिनको काम करना है बाढ़ को रोकने के लिए, वो अपना दायित्व कायदे से नहीं निभा पा रहे हैं, उसकी वजह से जो है हम लोगों को ये त्रासदी झेलनी पड़ रही है, पूरा प्रदेश जो है वो हाल बेहाल परेशान है। तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी को, जब तक कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं फिक्स करेंगे, जब तक कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कि लोगों को डर नहीं होगा कि हम हटाए भी जा सकते हैं, हम सस्पेंड भी हो सकते हैं, तब तक ये डर जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। नहीं देखिए अभी खबर आई कि प्रयागराज के एसएसपी को हटा दिया गया, तो अच्छी बात, 12 घंटे में 6 मर्डर हुए, उन्हें हटा दिया गया, तो एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं प्रदीप जी आपसे यही समझना चाह रहा हूँ कि इन हालात का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है। राहुल इस पर फिर एक बार इंटरव्यू करूंगा, बिल्कुल राहुल, ये 12 मर्डर हो गए उनको हटा दिया गया, सवाल ये हटाने से समस्या का समाधान मुझे नजर नहीं आता। सवाल आप सहारनपुर में जाइए, सहारनपुर में पत्रकार और दो लोगों को मार दिया गया, सहारनपुर के एसएसपी का हाल देख लीजिए, मतलब खाली हटा देने से नहीं, आखिर ये इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हम अधिकारी हटा देते हैं, मर्डर फिर भी हो रहे हैं, डकैती फिर भी हो रही है, लूट फिर भी हो रही है, आखिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सवाल उसकी मूल जड़ में जाने की समस्या है, अधिकारियों को हटा देने का मतलब नहीं है। सब बिल्कुल सही बात है, वो तभी हल होगा इसका। अल्पना वाजपेयी जी, शबनम जी कह रही कि जो स्थिति थी उसमें हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर संसाधनों के जरिए काम कर रहे हैं। कोई संसाधन काम नहीं कर रहा है, सरकार गूंगी बनी बैठी हुई है। आप तो क्लियर, आप मतलब एजेंडा लेकर आई है, एजेंडा लेकर आई है। आप मेरी बात सुनिए भाई साहब, अगर मैं आपको बता दूं, सरकार और सरकारों की बात आप छोड़ दीजिए, बीजेपी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और इतने बड़े दावे करती है कि जब भाजपा की सरकार होगी तो पूरा देश बदल जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा, सारा सिस्टम सुधर जाएगा। सिस्टम तो बस बदतर हो गया, जब शहर के अंदर की ये हालत है, लखनऊ जैसे शहर में जो राजधानी है, तो पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की आप स्थिति को समझ लीजिए। एक एक नेता को लगा दे भी ये कि हर मंत्री जाएगा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में और तुरंत पहुंचे, ठीक वैसे जैसे उपचुनाव में लगाए गए मंत्रियों को, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। नहीं थी, 2 साल पहले ये हाल था कि हजरतगंज में। चलिए बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे डिबेट भाई शबनम पांडे जी, मुझे इस डिबेट को समाप्त करना पड़ेगा, बहुत शुक्रिया। प्रदीप कपूर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एसके द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोपहर बार के स्टूडियो में, प्रमोद गोस्वामी जी आपका भी, और साथ ही साथ अल्पना वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जिस त्वरित गति से कार्य करना चाहिए बाढ़ से निपटने के लिए, हमारे जो पंच बैठे थे वो बता रहे थे कि वो त्वरित गति दिखाई नहीं दे रही। बहुत धन्यवाद दोपहर बार देखने के लिए।